तुम्हें विषय ही, मगर जो लोग हैं कौन है जो इहाता कर सकें उसके इलम का, उसके इलम मिन इल्मी, उसके इलम में से दुनिया के लोगों में कौन है जो उसके इलम का इहाता कर सके कि उसका इलम कितना है। वो तो सबका इहाता करता है, लेकिन उसके इलम का बंदे तो इहाता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किसी को कोई इलम नहीं कि मेरे रब के पास कितना इलम है, इल्ला बिमा शा, मगर जितना वो चाहे। आगे बंद भी कर दिया अल्लाह ताला ने कि जितना मैं चाहता हूँ मैं अपने प्यारे बंदों को बता देता हूँ, अपने जो खास बंदे हैं उनको उतना इल्म अता कर देता हूँ, अपनी मार्फत उतनी दे देता हूँ। वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ध, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन के ऊपर वसी है। अल्लाह ताला की कुर्सी सातों आसमान सातों ज़मीन इनके ऊपर उसकी कुर्सी है। कुर्सी से क्या मुराद है? क्या ये जो कुर्सी है लकड़ी की जिस तरह चेयर इस तरह कुर्सी है अल्लाह ताला की? तो इस पे उलमा ने मुख्तलिफ अकवाल पेश किए हैं। बाद अहले इल्म कहते हैं कि कुर्सी से मुराद उसका इल्म है, कि सातों आसमानों ज़मीनों सब के ऊपर उसका इल्म मौजूद है और वो सब कुछ जानता है। दूसरे कहते हैं उलमा कि यहाँ इल्म मुराद नहीं है, यहाँ इससे मुराद मुल्क है, कि उसकी जो बादशाहत है वो सातों आसमानों ज़मीनों के ऊपर कायम है। बात कहते हैं कि इससे मुराद उसकी कुव्वत है, कुव्वत नाफिजा, वो इस तरह हर जगह के ऊपर कायम है। लेकिन बाद उलमा कहते हैं नहीं, अहादीस में है कि वाकई एक कुर्सी भी है, तो हम उसको मानते हैं कि एक कुर्सी अल्लाह करीम ने ऐसी बनाई है जिसकी हदीस पाक में वजाहत है कि वो कुर्सी इतनी बड़ी है कि ये जो सातों जमीन और सातों आसमान है ये उस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा जंगल हो सहरा और उसमें एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हुई हो, तो सातों आसमान और जमीन ये अंगूठी है और सारा जंगल जो है वो कुर्सी है रब की, इतनी बड़ी कुर्सी है। और वो इतनी बड़ी कुर्सी जो है वो अंगूठी की तरह है और जंगल की तरह फिर अल्लाह का अर्श है वो उस कुर्सी से इतना बड़ा है। लेकिन क्या अल्लाह उस कुर्सी पे बैठता है? तो इस पे आले इल्म जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला बैठने से पाक है। इससे मुराद ये है कि वो उसकी ताकत जबरूत की कुर्सी है उसने रखी हुई है, लेकिन जिस तरह इंसान बैठता है ऐसे नहीं, क्योंकि वो बैठने से पाक है। हाँ कुर्सी उसकी है, जैसे उसकी शान के लायक है वैसे वो उसके साथ मामला फरमाता है। तो उर्दू में समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं जैसे कहते हैं कि इसकी कुर्सी बड़ी ऊंची है, तो कुर्सी से मुराद हकीकी कुर्सी नहीं होती बल्कि हुकूमत होती है कि भाई इस वक्त आजकल कुर्सी इसकी बड़ी तगड़ी है, तो इसकी तो असल कुर्सी जो है असल हुकूमत वो अल्लाह ताला की ही है। तो इसको हम इख्तिताम पे लेके जाते हैं, उसकी कुर्सी जो है इतनी वसी है। भला यू हिफ्ज़ुल्लाह, तो इनकी हिफाजत आसमानों ज़मीनों की दुनिया की हिफाजत और दुनिया की जो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस इन सब की आसमानों ज़मीनों की हिफाजत ये उसको थकाती नहीं है। यऊदुहु थकाना, वो उसको थकाती नहीं है, यानी अल्लाह थक नहीं जाता, वो थकने से पाक है, वो सोने से पाक है, वो नींद से पाक है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो अली है यानी बुलंद मर्तबा, अलअज़ीम और बड़ाई वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। ये हमने थोड़ा सा सूरह अल बकरा का एक हिस्सा उसका उसमें से कुछ आज पढ़ने का शर्फ हासिल किया। ये दोस्तों तीसरा पारा है कि हम रोज़ाना एक पारे से शुरू से कुछ पढ़ते हैं। इसका मेरा एक मकसद है, एक तो हमें तमाम पारों के हवाले से थोड़ा थोड़ा इलम हो जाए, हर पारे के शुरू में से हमें पढ़ना आ जाए। तीसरा ये है कि मेरा काम है थोड़ा सा आपको तर्जमा करवा देना। अब आपका आपका काम है बाकी पूरा दिन कुरान मजीद का उस पारे का अगला तर्जमा खुद पढ़ना। तो इसमें आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसमें आगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसमें आगे मुनाज़रे का वाक़या है, इसमें आगे खर्च करने का वाक़या है। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि जैसे दरख्त जो है एक दाना होता है, तो जब वो दाना थोड़ा सा बढ़ता है तो उसमें से सात जो है कोंपलें निकलती हैं, फिर हर कोंपल के ऊपर जो है वो सौ दाने लगते हैं। तो असल दाना तो एक था, ये सात सौ कैसे बन गए?
तो अल्लाह फरमाता है ऐसे ही जब तुम रब की बारगाह में सदका करते हो तो एक दाना यानी एक रुपया होता है तो जैसे दाना 700 बन जाता है ऐसे ही मैं तुम्हारा वो सदका खैरात 700 गुना बढ़ा देता हूँ। तो इसी तरह इसमें आगे ये भी अल्लाह ताला का हुक्म आया है इस बारे में कि जब भी तुम कर्ज का मामला करो एक दूसरे को कर्ज तो तुम उस वक्त उस कर्ज को लिख लिया करो, चीज़ें लिख लिया करो, एग्रीमेंट। ये पूरा बाब है, पूरा एक रुकन है जिसमें कहा गया है जब भी किसी से तुमने मुआहदा करना है बिदैन फक्तुबू उसे लिखा करो। तो रिटर्न सूरत में आज इसकी अहमियत हमें समझ में आती है। अब लोग कही आते हैं उस्ताद जी वो 10 लाख रुपया दिया था तो ज़मीन का वो हमने कोई स्टाम्प पेपर लिया नहीं है, अब वो मुकर गया है। ये सुबह शाम ऐसे, तो अगर हमने कुरान को पढ़ा होता तो कुरान ने हमें सदियों पहले कह दिया था कि जब भी तुम वायदा करो आपस में थोड़ा सा भी करो उसको लिखा जरूर करो। ये ना कहो कि नहीं हमें एक दूसरे पे इतमाद है, इतमाद अपनी जगह पे, हुक्मे कुरानी अपनी जगह पे। तो सियाने कहते हैं कि मामा थियां दा भी जड़ा ना वो साहब दा हमारे सफदर साहब अदा एक सलामत रखे, बड़े नेक आदमी है पर इस बस्ती का हीरा है। तो ये सारा दिन कारोबार में रहते हैं माशाल्लाह मसरूफ में, लेकिन इसके साथ साथ दीन के साथ भी, तो वो इस मिसाल को अच्छे तरीके से समझते हैं कि हिसाब किताब जो है ये क्लियर होना चाहिए और हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। और इसमें फ़ायदा भी ये है कि बंदा भूल जाता है, ये ज़हन जो है इस पर कभी कोई चीज़ आई कभी कोई चाह तो गफलत का शिकार हो जाता है। तो जो चीज़ लिख ली जाती है वो तो ये कुरान मजीद का हुक्म है। इस तरह आगे इसमें सूरह आले इमरान शुरू हो रही है, उसका भी आपने मुताला करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में उसमें दुआ है कि जो चंद चीज़ें आज हमने सीखी अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की और इसे आगे पहुँचाने की तो إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معزز أحباب आज के तर्जमतुल कुरान कोर्स में हम चौथे पारे के पहले रकू से कुछ आयात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। एक बार हम इसकी सादा किरात करते हैं फिर इसका तर्जमा करते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى بر لكنا بر بر کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے را کے آگے الف بھی نہیں ہے तो एक उसूल आज बिल्कुल बुनियाद में सीख लें कि उस हरफ को आपने खींचना है जिसके ऊपर या खड़ी जबर हो या जिसके ऊपर मद हो या जिसमें हुरूफ़े मद्दा क्या हो, हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? तीन। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? तीन। अलिफ वाओ या, अलिफ वाओ या। अच्छा ये किन सूरतों में मद्दा होंगे? तो ये सबक आपका, अगर ये एक सबक आपने सीख लिया ये कुलिया, तो आप 70% कुरान मजीद पढ़ते हुए 70% गलतियों से बच जाएंगे। 70% गलती इस जगह पे होती है कुरान पढ़ते हुए। आम लोगों के लिए ये अगर इस जगह को आपने सीख लिया कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, ये तीन मद्दा वो है जो 70-80% लोग करते हैं, ये कैसे होगी तो ये सीख लें कि अलिफ मद्दा तब होगी जब अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले ज़बर हो।
अलिफ से पहले हरफ पर जबर हो और आगे अलिफ हो, जैसे मा। अब अलिफ तो खाली है ना, लेकिन मा अलिफ से पहले जो मीम है उसके ऊपर जबर है, जैसे ता। तो अलिफ खाली है, इससे पहले जो ता है उसके ऊपर जबर है। तो अलिफ से पहले जब जबर होगी तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ को एक उंगली के बराबर या बंद मुट्ठी को खोलने के बराबर खींचा जाएगा। ठीक हो गया जी। मसलन इधर से ही हम इसी पहली लाइन से ही मिसाल तलाश कर लेते हैं, जैसे वमा तुन्फिकू मिन शै, वमा, ये मा, ये अलिफ से पहले जबर है। तो जहां भी कुरान मजीद में आपको अलिफ नजर आए और उससे पहले जबर हो तो उस अलिफ को खींच दे। ये पहला सबक याद कर लो, अलिफ, ये अलिफ मद्दा है, मा ता सा, जिसके साथ अलिफ है उसको खींच लें। दूसरा वाओ मद्दा, वाओ जहां पे आए, कौन सी वाओ, हर वाओ को नहीं खींचा, वाओ साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़्म हो, वो छोटी सी डूंडी जो बनी होती है, वाओ साकिन हो, मा कबल मज़मूम हो यानी उससे पहले पेश आए, वाओ के ऊपर जज़्म आए और उससे पहले हरफ पर पेश आए, हरफ कोई भी हो पेश आए, तो उस वाओ को एक अल्फ के बराबर खींचना है। जैसे वाओ है ना, वाओ साकन है उसके पहले पेश है, तू अलिफ पे, तू तो वाओ है और इससे पहले पेश है, तो ऊ तू नहीं कहेंगे, ऊ तू नहीं कहेंगे, ऊ तू खेचेंगे, ये वाओ मद्दा है। इस लाइन में भी ये आप देखें, ये चौथा जो लफ्ज़ है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू, ये तुन्फिकू जो है इसको तुन्फिकू नहीं कहना, ये गलती करते हैं, कहते हैं हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुन्फिकू नहीं है, तुन्फिकू है, क्योंकि वाव के ऊपर जज़्म है और इससे पहले हरफ काफ के ऊपर पेश आई हुई है। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, ये जो लम तनालुल बिर्रा है, तो यहाँ पे भी तो वाव है, लम तनालुल बिर्रा, ऐसे क्यों नहीं कहा, वाव के ऊपर जज़्म नहीं है, शाबाश, तुम्हारा पहला नंबर है भाई, क्योंकि यहाँ पे वाव के ऊपर जज़्म नहीं है, तो वो वाव मद्दा होगी जिसमें वाव के ऊपर जज़्म होगी और उससे पहले हरफ के ऊपर क्या होगा, पेश होगी। और अलिफ मद्दा कब होगा, जब अलिफ से पहले क्या होगी, जबर, अलिफ से पहले जबर, वाव साकन से पहले पेश, और तीसरी मद्दा कौन सी है, या मद्दा। तो या मद्दा कब होगी, ये आपने सीख लिया तो ये सबक जो है आपने बहुत बड़ा सीख लिया। या मद्दा वो होती है जिसमें या साकिन हो यानी या के ऊपर डुंडी हो और उससे पहले जेर हो, उससे पहले क्या हो, जेर हो। मिसाल के तौर पे ई फी बी, यानी या साकन है इससे पहले जेर है, तो ये जहाँ पर भी या साकन से पहले जेर हो, वाव साकन से पहले पेश हो, अलिफ साकन से पहले जबर हो, तो ये तीन हरूफ पे बनता है अलिफ वाव या, ये जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पे हम इनको एक अलिफ की मकदार के बराबर खींचेंगे। ये समझ आ गई, चले माशाल्लाह। वमा तुन्फिकू, ये इसलिए इसको गू खींचा है हमने, मिन शैइन, मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, वमा तुन्फिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, फइन्नल्लाह, फइन्नल्लाह, फइन्नल्लाह नहीं कहना, ये लफ्ज अल्लाह को मोटा करना है लाम को, क्योंकि इससे पहले जबर आई हुई है, फइन्नल्लाह बिही, ये ही क्यों खींचा है, क्योंकि खड़ी देर है नीचे,
तो खड़ी जबर खड़ी रे को खींच नहीं, बी अलीम ये या को क्यों खींचा है हमने अलीम को, अलीम क्या है या साकिन है इससे पहले जेर है तो ये या मद्दा है इसलिए इसको खींचा है। कुल तआम कान हिलल लिबनी इसराइल, ये बनी को भी हमने इसलिए खींचा है कि ये या मद्दा है, लिबनी इसराइल ये मद्दा है बड़ी मद्दा, इसके ऊपर मद्दा का निशान भी है और अलिफ से पहले जबर भी है, इसराइल ईल पे फिर ये या मद्दा आ गई, इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिहि मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात, कुल फ़अतू को इसलिए खींचा है कि वाव साकन है इससे पहले पेश है, कुल फ़अतू بالتوراه فتلوها ये लू के ऊपर मद है क्योंकि वाव साकन है पहले पेश है, हा के ऊपर भी, इन कुंतुम सादिकीन फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कदिब मिन बाद ذلك فأولئك هم الظالمون, قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا, وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, ये غني عن العالمين क्यों नहीं कहा, ये غني عن العالمين क्यों कहा है, ये غني पे गुना क्यों नहीं किया गया, आगे रुफ़ेल किया, आगे रुफ़ेल किया, शाबाश, क्योंकि غني है तनवीन और आगे عن عن العالمين عين आ गया तो रूफ़े हल्की आगे आ जाए नून साकन या तनवीन के तो वहाँ पे गुना नहीं करना, इसका हम तर्जुमा कर लें, लन तनालुल बिर्रा तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुँच सकते, लम जो है लाम मीम लम आ जाए तो इसका मतलब होता है माजी में नफी करना और लाम नून आ जाए तो इसका मतलब होता है मुस्तकबल में नफी करना, तो यह मुस्तकबल की नफी है कि तुम हरगिज तनालु नहीं पा सकते अलबिर्रा नेकी को, हत्ता जब तक के तुम फिकू तुम खर्च नहीं करते मिम्मा तुहिब्बून जो तुम खुद पसंद करते हो, जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते उस वक्त तक तुम नेकी की हकीकत को नहीं पा सकते, तो वो चीज़ जो तुम्हें पसंद है महबूबा करोगे तो फिर रब राज़ी होता है, क्योंकि जब बंदे के दिल से कोई चीज़ जाती है और फिर पेश करता है या अल्लाह ये मैंने तुझे दी है और जो महबूब चीज़ है वो दी है तो फिर ही उसको नेकी का असल लुत्फ आता है,
तो रद्दी चीज, फजूल चीज सदका करना इससे मना किया गया है। पीछे एक मकाम पे गुजरा है, ये तमाम रद्दी चीजें, फजूल चीजें, बेकदर कीमत चीजें, ये ना तुम सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में देनी है तो अच्छी चीज दो। कौन सी चीज दो? ये बात लोग भी ऐसा करते हैं ना कि वो बच्चों में से देखेंगे जो सबसे डल है ना, जो किधर भी नहीं चलता, जो दिहाड़ी भी नहीं कर सकता, जो दुकान पे भी काम नहीं कर सकता, तो कहते हैं कारी साहब है तो पल्ले पाता है। अच्छा, जो जिस बच्चे में कुछ दिमाग है, काबिल है, जो ज़हीनो फतीन है, आईक्यू लेवल जिसका अच्छा है, इसको तो हमने डॉक्टर बनाना है, इसको तो हमने ये करना है, वो करना है। भाई अल्लाह के बंदो, जो ज़हीन फतीन है, अच्छी चीज़ रब की बारगाह में पेश करनी चाहिए। तो अपनी औलाद में से जो ज़्यादा काबिल है बच्चा, अल्लाह के दीन के लिए उसको वक्फ करे, क्योंकि रब चाहता ये है कि जो तुम्हें पसंद है ना वो खर्च करो, तो फिर मेरी रजा है। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब ये आयत सुनी तो उनका बड़ा प्यारा बाग था मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल सामने, बहुत ज़बरदस्त बाग था, खूबसूरत बाग था। तो जो सुनते गए तो उसी वक्त हजूर की बाग अकदस में आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा बाग है मुझे इससे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो हजूर अल्लाह फरमाता है जिससे प्यार है वो सदका खैरात करो, तो ये मैंने सारा खान सदका खैरात कर दिया। तो वो बाग था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर भी जाया करते थे, खुद तशरीफ ले जाते थे, कभी कभी हजूर उसमें फल खाते थे। और उसमें इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि उलमाए कराम का बागात में जाना ये नबी पाक की सुन्नत है, उनको जाना चाहिए, वरना इल्म का बोझ कभी कभी दिमाग का बेड़ा कर देता है, तो उनको सैर सियाहत भी करनी चाहिए। तो उन्होंने वो बाग इस तरह हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अर्ज़ किया हजूर ये मेरा घोड़ा सबसे बेहतरीन घोड़ा है, तो मैं इसे अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करता हूँ, आप कबूल करें। तो हुजूर ने वो घोड़ा लेकर उनके बेटे हजरत उसामा को दे दिया, फरमाया तू घर वाला तेरा ज़्यादा है ये लो। तो वो अर्ज़ करने लगे हुजूर नहीं, किसी और को देना था। हुजूर ने फरमाया तेरी तरफ से आ गया, तेरा कबूल हो गया, अब मेरी मर्जी में जिसको दूँ। तो सरकार ने उन्हीं के बेटे हजरत उसामा को वो ऊँट अता घोड़ा अता कर दिया। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छी चीज़ पेश करनी चाहिए, और जब भी पेश करें तो दिल से करें, ये ऊपर ऊपर से कभी अल्लाह की राह में बंदा करता है मजबूरी में या चलो मुंह मुखाई के लिए, इससे इसका अजर ज़ाया हो जाता है। जो करना है वो दिल से करें, अपना वक्त कीमती है, इसको रब की राह में खर्च करें, ये भी सदका है। ये जो वक्त आप दे के बैठे हैं ये भी सदका है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है जो तुम्हारी कीमती चीज़ है वो जो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि नेकी को तुम उस वक्त तक पा ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ उसकी राह में खर्च ना करो। वमा तुनफिकु मिन शैइन, और तुम में से जो कोई भी खर्च करे, और तुम जो कुछ भी खर्च करो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है। कुल ताम कान हिल्ला लिबनी इसराइल, कुल का माना तमाम, हर किस्म का खाना, कान हिल्ला ये हलाल था, लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए, यानी इसराइल की औलाद के लिए। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए हर तरह का खाना जो है हलाल था। इल्ला मगर माहरमा इसराइल वाला नफसी, जो इसराइल ने अपने नफ्स पे हराम किया था, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात, इससे पहले के तौरात नाजुल होती, तौरात के नुज़ूल से क़ब्ल। कुल फ़ातू, तो ए हबीब आप फरमा दीजिए, इन्हें कहो कि ले आओ तौरात, तौरात को, फ़तलूहा उसे पढ़ो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। असल में इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मदीने के कुछ यहूदी आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहने लगे कि तुम वैसे तो कहते हो कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हम दीन इब्राहिमी पे हैं, जबकि
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में तो ऊँट का गोश्त खाना हलाल नहीं था, हराम था, जबकि तुम मुसलमान तो गोश्त खाते हो, आप तो ऊँट का गोश्त खाते हो। तो उस मौके पर ये आयत उतरी जवाब के लिए, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हबीब इनको बताओ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और मिल्लत इब्राहिमिया पर और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उन सब पर भी ये ऊँट हलाल ही था और ये सब चीज़ें हलाल थी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त खुद ममनू करार दे दिया था। क्यों? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी लाहिक हुई थी और उस बीमारी के दौरान उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि या अल्लाह अगर मैं तू मुझे शिफा दे दे तो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ खाना छोड़ दूँगा। ये मन्नत मानी थी, नज़र मानी थी। तो वो ठीक हो गए, जब शिफा याब हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा चीज़ ऊँट का गोश्त है, इसलिए मैंने महबूब चीज़ को खाना तर्क कर दिया। तो ये उनका एक ज़ाती फेल था। यहूदी कहते थे कि नहीं, अब क़यामत तक के लिए जो है सब के लिए, बनी इसराइल के लिए एक हुक्म का होना और चीज़ है, क़यामत तक के लिए होना और चीज़ है। तो इस जगह पर उसकी वजाहत की गई कि वो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए किया था, असलम जो है ऊँट का गोश्त खाना ये हलाल है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसी तरह बात सूफिया कराम है, उनका तरीका होता है कि वो अपनी लज्जत नफ्स के हुसूल को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को अपने ऊपर रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने ये नहीं खाना, इससे लज्जत ख्वाहिश नफ्स पैदा होती है, तो इसको रोक देते हैं। तो इसकी असल ये आयत है, फमन इफ्तरा, तो जो कोई झूठ बांधे, अल्लाह या अल्लाह की ज़ात पर, अल-किज़्ब, किज़्ब तो झूठ, तो मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद, फ़ौलाइक हुमुल ज़ालिमून, तो यही लोग ज़ालिम हैं। कुल सदकल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया, फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत जो है, मिल्लत इब्राहीम जो दुरुस्त सही रस्ते वाली है, हर बातों से दूर है, उसकी इत्तबा करो, उसकी पैरवी करो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। वमा और बा मैंने नहीं, काना थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से नहीं थे। इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक घरों में पहला घर, इन्ना मैंने बेशक, अव्वल अव्वल पहला, बैतिन घर, वुदिया लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया, वुदिया वज़ा किया गया, उर्दू में भी ये लफ्ज़ बोला जाता है, वज़ा किया गया, वही लफ्ज़ है। बेशक पहला घर जो बनाया गया, लिन्नास, लोगों के लिए, नास लोगों को कहते हैं, लल्लदी, ये वो है, बिबक्का का, जो मक्का में है, मुबारकन, बड़ी बरकत वाला घर है, बहुदल लिल आलमीन, और सारे जहानों के लिए हिदायत का सबब है। कौन सा घर? खाना का वश, कौन सा घर? सबसे पहले पूरी कायनात में जो पहला घर बना वो खाना का वशी। इस पूरी दुनिया पे पहले पानी था, पानी के ऊपर अल्लाह ताला ने झाग बनाया, उस झाग में अल्लाह ताला ने फिर ज़मीन बनाई, और जो सबसे पहली ज़मीन दुनिया में ऊपर आई बनकर, वो खाना का वशी की काब कहते हैं उभार को, उभार काब। ये जो हमारे टखने होते हैं इनको भी काबैन कहते हैं, ये उभरे हुए होते हैं। काबा जवान लड़की को भी कहते हैं। तो काबा चूँकि ज़मीन में सबसे पहले बुलंद हुआ था, तो इसलिए इसको काबा कहा गया, कि बुलंद ऊंचा। तो सबसे पहले जो बना वो खाना काबा, और ये घर बरकत वाला आज भी बरकत वाला है, वहुदल लिल आलमीन, और कायनात के लोगों के लिए हिदायत का सबब है। तो इसमें है क्या? तो फी ही, इसमें आयातुन, निशानियाँ हैं, बयीनातुन, रोशन निशानियाँ, खाना काबा शरीफ के करीब यहाँ पे रोशन निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम, यहाँ मकाम इब्राहीम है, तो मकाम इब्राहीम है ये, जहाँ पे खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा है। खाना काबा शरीफ के दरवाजे से आगे गालिबन 14 मीटर पे कुछ करीब, या इससे भी कम, तो वहाँ पर ये मकाम इब्राहीम एक पत्थर है, ये वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा शरीफ तामीर किया था। उस पत्थर में आज भी इतने इतने पाँव जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वो अंदर मौजूद हैं, निशान उनके, आज भी ये रोशन निशानी मौजूद है। वमन दखल हु काना अमीना, जो कोई इसमें दाखिल हो गया वो अमन पा गया, ये अमन वाला मकाम है। वहाँ पर एक मक्खी को मारना भी जायज़ नहीं है, एक मच्छर को मारना भी
अपने हाथ से उम्रा करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए उन दिनों में जायज़ नहीं है, वो बरकत वाली जगह है, वहाँ कोई जानवर आ जाए तो उसको भी नहीं मारा जाएगा। हाँ, हुकूमत वक्त जो है वो वहाँ के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए वहाँ स्प्रे या इस तरह की चीज़ें वो छिड़क सकती है, उसकी गुंजाइश है, लेकिन मैं हाजियों और उम्रे करने वालों की बात कर रहा हूँ। वलिल्लाही अला नास, और अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर हज जो है, हिज्जुल बैत, इस घर का हज जो है वो फ़र्ज़ है, मन इस्तता, जिसके पास ताकत है, इलैहि सबीला, वहाँ तक पहुँचने की। व मन काफरा, और जो कोई मुनकर हुआ, फ़इन्नल्लाहा गनीयुन, तो बेशक अल्लाह ताला गनी है, बेपरवाह है, अनिल आलमीन, सारे जहान के लोगों से। यहाँ पर कुछ निशानियाँ हैं खाना काबा शरीफ में। पहली निशानी तो वही अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि मकाम इब्राहिम है। दूसरी निशानी यहाँ पर खाना काबा में अल्लाह ताला की, वो आब जमजम शरीफ है, वो मकाम इब्राहिम से चंद कदम आगे जाकर, मकाम इब्राहिम से वहाँ पर एक चश्मा है पानी का, और वो ऐसा चश्मा है पानी का कि सदियों से चला आ रहा है, वो 5000 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजर गई है, लेकिन उसका पानी उसी तरह जारी और सारी है। और माउ जमजम लिमाशुरी बलहू, सरकार ने फरमाया जमजम का पानी जिस नीयत के साथ पियोगे तुम्हारे उस मर्ज़ को दूर कर देगा। वो शिफा वाला पानी है, बरकत वाला पानी है, अल्लाह ताला सबको वो पानी नसीब भी फरमाए। और वहाँ पे तीसरी जो निशानी है अल्लाह ताला की, तो वो सफ़ा मरवा है, दो पहाड़ियाँ हैं, एक इधर सफ़ा इधर मरवा, तो ये दो पहाड़ियाँ वो हैं जिन पे हजरत हाजरा जो है वो दौड़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी उस सुन्नत को याद रखा, कायम रखा, और आज भी वहाँ पे लोग उसी तरह दौड़ रहे हैं और उस अदा को ताज़ा कर रहे हैं। इसी तरह वो मुताफ़ है जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, इसी तरह यहाँ पे निशानी है कि वो मुल्तज़िम है, वो जो खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा है उस दरवाज़े से लेकर, ये 4 मीटर की जगह है, ये 4 मीटर की जो जगह है ये वो बाबरकत जगह है मुल्तज़िम, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीना रगड़ कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मांगा करते थे, या अल्लाह करम नवाजी फरमा। तो सबसे जो बरकत वाली जगह है पूरे खाना काबा शरीफ में, जिस जगह पे दुआएं कबूल होती हैं, वो मकाम मुल्तज़िम है, वो जहाँ पे सीना लगा के फिर। और इसी तरह वहाँ पे और भी बहुत बरकत वाली जगह मौजूद हैं, साथ इधर साथ हजरे अस्वद है, और हजरे अस्वद भी वो एक पत्थर है जन्नत का, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इशारा फरमाया कि जिसने इसको चूम लिया तो ये बंदे के सारे गुनाह खींच लेता है और अपना नूर उसको अता कर देता है। तो यानी ये सफाई का, बंदे की ट्यूनिंग का एक तरीका है, जैसे गाड़ियों की ट्यूनिंग करते हैं, ऐसे उमरा और हज और तवाफ और हजरे अस्वद को चूमना ये बंदा मोमिन की ट्यूनिंग है, सफाई का ज़रिया है, ये तज़किया है, तस्फिया है कल्ब का। इसी तरह वहाँ पे नवाफल पढ़ने की जगह है, इसी तरह वहाँ पे मीज़ाबे रहमत है, जो शुमाल साइड के ऊपर दीवार है तो उसके ऊपर एक परनाला लगा हुआ है, तो हुज़ूर ने फरमाया वो इस परनाले के नीचे बारिश में नहाता है, वो रहमत इलाही में नहाता है, तो वो बड़ी बरकत वाली जगह है। तो ये पूरा सीन हरम है, और इसी तरह मदीना तैयबा जो है वो भी रब की निशानियों में एक निशानी है, जहाँ पे खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तशरीफ़ फरमा है, गुम्बद खजरा है, और वहाँ पर भी मुझे याद आ रहा है कि अभी ये आज रमज़ान की कितनी तारीख है, 6, तो पिछले साल हम वहाँ थे 6 तारीख को मदीना तैयबा में, और बारिश का एक मंज़र था, और गुम्बद खजरा से टकरा कर बारिश जो है उससे, तो दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात फिर वो बरकतें नसीब फरमाए, वो पाकीज़ा बारगाहें हैं, वो पाकीज़ा मकामात हैं, तो उनकी तड़प दिल में ज़रूर रखें, दिल में तड़प ज़रूर रखें, शौक रखें, और ये भी याद रखें बंदा पैसों से नहीं जाता, खुदा की कसम बंदा वहाँ पैसों से नहीं जाता, बंदा वहाँ हजूर के कर्म से जाता है, सरकार की निगाह कर्म हो जाए, अल्लाह करीम का फजल हो जाए, लेकिन दिल में उसका शौक जरूर रखे, दिल में तड़प रखे,
कि अल्लाह ताला हमें भी उस बारगाह की हाजिरी नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। या मोहम्मद बशीर था, कराची का एक नौजवान मोहम्मद बशीर सारबान था, बशीरा बशीरा उसे कहते थे। वो रेड़ा चलाया करता था, ऊंट रेड़ा चलाता था मोहम्मद बशीर सारबान। तो एक बार अमेरिका का सदर आया पाकिस्तान, ये सदर अयूब का दौर था, सदर जॉनसन उसका नाम था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था। तो उसका प्रोटोकॉल जा रहा था गाड़ियों का कराची में, तो कराची में एक गाड़ियों के उस प्रोटोकॉल में एक मोड़ मोड़ते हुए उसकी गाड़ी जो है वो बशीरा जो सारबान था उसके वो रेड़े से टकरा गई। तो उसका रेड़ा उलट गया, बशीर सारबान नीचे गिर पड़ा, वो ज़ख्मी हो गया। तो अमेरिकन जो सदर था उसने रुकवा के वो पूरा काफला, उसने कहा कि इसका इलाज कराओ क्योंकि मेरी गाड़ी से टकराया है। तो खैर वो उसको अस्पताल ले गए, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं इसको मेरे साथ भेजो। तो वो सादा आदमी था, वो अमेरिका के सदर के साथ बैठकर वो अमेरिका चला गया। वो उसने कहा कि तू मेरा दोस्त है तो चल तुझे अमेरिका की सैर कराते हैं। तो वहाँ पे कुछ अरसा रहा वो अमेरिका में, तो सदर जॉनसन जो था उसने उसे कुछ तोहफे दिए, कुछ चीज़ें दी, और फिर कहा कि अब तू बिल्कुल ठीक हो गया है तो अब तूने वापस जाना है पाकिस्तान, तो मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, कोई काम हो तेरे दिल में, कोई तमन्ना हो। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर मेरे दिल में तमन्ना वो बशीरा कहने लगा, दरवेश बंदा था सादा रेड़ी चलाने का। उसने कहा फिर ये जो हवाई जहाज जाएगा ना पाकिस्तान में, उसे कह दो कि वो पहले मदीना शरीफ जाए, पहले मदीना शरीफ जाए, बाहर रुक जाए मुझे सरकार के बाहर, फिर वापस मैं अपने मुल्क जाऊंगा। उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई मसला नहीं। उसने इंतज़ाम कर दिया, यहाँ से सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आया, गवर्नर मदीना ने उसका इस्तकबाल किया, रेड कारपेट के ज़रिए उसको लेके आए और मोहम्मद बशीर को बड़ी इज्जत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह तस्वीर। तो वहाँ आके वो बहुत रोए, हजूर की बारगाह में बहुत रोए। तो गवर्नर मदीना ने उसे पूछा कि आखिर कौन सी वजह थी कि तूने अमेरिका के सदर को कहा कि मुझे मदीना शरीफ हजूर की बारगाह, इसकी वजह थी? तो मोहम्मद बशीर कहने लगा मेरी माँ बूढ़ी ज़ईफ़ थी, उसने मुझे पाला था, मैं उसकी खिदमत किया करता था। तो जब मेरी माँ दुनिया से जाने लगी थी तो उसने मुझे कहा था मोहम्मद बशीर, मेरे दिल में तमन्ना थी मैं किसी तरह मैं आमिना के लाल के रोज़े पे आ जाऊँ, हजूर की बारगाह में जाऊँ, तो मैं तो नहीं जा सकी, अगर तुझे ज़िंदगी में कभी कोई मौका मिले तो वहाँ जाना, हजूर को मेरा सलाम अर्ज कर, सरकार की बारगाह में मेरी हाजिरी लगवा देना, सरकार निगाह करम फरमा दे। ये थी बात, तो मैं तो अपनी माँ की वसीयत पूरी करने आया। दोस्तों जब तक माएँ अपने बच्चों को नबी पाक के रोज़े की वसीयत करती रहेगी, अल्लाह इस उम्मत को अरूज देगा। जब तक माँ बाप अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करते रहेंगे, ये जो कुरान ने निशानियाँ बयान की हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी हुरमत के लिए, जब तक हम अपनी जान पेश करते रहेंगे, अपना नजराना पेश करते रहेंगे, ये निशानियाँ हैं, ये बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक्सा है, मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, ये शाहिदुल्लाह है, ये हमारी जान से बढ़ कर हमें अजीज होने चाहिए। और जब तक माएँ, जब तक बाप, जब तक आबाओ अजदाद, जब तक उलमा, जब तक माशरे के बड़े अपने बच्चों के दिलों में इन शायरुल्लाह की तज़ीम पैदा करते रहेंगे और इनकी तरफ कशिश पैदा करते रहेंगे, तब तक हमारी बका है। और अगर हमारा मरकज़ किबला बदल गया मदीना तैयबा से, गुंबद खजरा से, खाना काबा शरीफ से, मस्जिद अक्सा से, हमने ताल्लुक़ तोड़ लिया और हमने अपनी निगाहों का मरकज़ वाशिंगटन को बना लिया, हमने निगाहों का मरकज़ न्यूयॉर्क को बना लिया और
अमेरिका बरतानिया यूरोप को बना लिया और हमारी नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद के साथ जुड़ जाएं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर की सीरत पाक के साथ जुड़ जाएं और हम उन मुक़द्दस शहरों के साथ जुड़ जाएं, हम उनकी मोहब्बत अपने दिलों में खुद भी पैदा करें, अपनी नस्लों के दिलों में भी हम उनकी मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह ताला की बारगाह कुछ में दुआ है, जो चंद चीज़ें मैंने अर्ज़ की अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की और आगे पहुँचाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए।